वेलकम बैक टू बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड ईयर क्लास। थर्ड ईयर की क्लास में हम इंटरपोलेशन पढ़ रहे थे, और इंटरपोलेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें क्या है, आपको डायरेक्टली दिया रहता है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और उसमें आपको टेबल दिया रहता था। आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें क्या है, डिफरेंस या स्पीसिंग दिया रहेगा, तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। ध्यान देना यहाँ पे, हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स, यहाँ पे इक्वेशंस नहीं पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 45 मार्क्स से कम पाए होंगे, और फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, 30 से 40 पाने वाले स्टूडेंट क्या है, 31, 40 से 50 पाने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हो जाएंगे, कितने दिया हुआ है यहाँ पे, 42, और 50 से 60 पाने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 51, 60 से 70 पाने वाले स्टूडेंट है 35, एंड 70 से 80 पाने वाले जो स्टूडेंट है यहाँ पे 31, ठीक है। तो ये आपका टेबल दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको देखो यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, 10 10 की स्पेसिंग है, यहाँ पे 30 से 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 40 से 50 के बीच में ही 10 का, 50 60 60 70 70 80, तो देखो यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस है, जो स्पेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, स्पेसिंग बोलते हैं, जो स्पेसिंग है उसको बोलते हैं एस। तो हमने लिखा हुआ है स्पेसिंग, यहाँ पे दिया हुआ है एस इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 10। फिर बोला है यहाँ पे कि ऐसे स्टूडेंट, तो आपको फाइंड क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है जो 50 क्या लिया हुआ है यहाँ पे, 45, 45 से कम हो, जो स्टूडेंट 45 मार्क्स से कम पाए हैं वो उनके काउंटिंग बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 45 नंबर से कम पाए हुए हैं। दैट मीन्स क्या है, आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 10, ठीक है। तो देखो देखते हैं हम यहाँ पे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है तो हम जहाँ पे एक्स, इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते थे जहाँ पे एक्स रखते थे, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे एक्स के यहाँ पे जस्ट पी को रिप्लेस कर देना, और पी की डिफरेंट वैल्यू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच करके हमको निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं एक टेबल, तो टेबल में हम इसको ट्रीट करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है उसको एक्स, और ये वाली जो वैल्यू रहेगी ऐसे वाई, लेकिन यहाँ पे जो एक्स वाली वैल्यू है यहाँ पे 2 दिया हुआ है वैल्यू, 30 रखें या 40 रखें, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, 40 रखें 50 रखें, कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, कोई एक वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 30 से 40 में बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70 एंड बिलो 80, ऐसे वैल्यू हम रख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो होगा यहाँ पे बिलो अगर 40 की बात करेंगे तो 31 आ जाएगा, बिलो अगर 50 की बात करेंगे तो ये दोनों 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों 8 हो जाएंगे, फिर अगर मैं बिलो बिलो 60 की बात करता हूँ तो ये तीनों 8 हो जाएंगे, फिर बिलो अगर मैं 70 की बात करता हूँ तो ये चारों 8 हो जाएंगे, फिर बिलो अगर मैं 80 की बात करता हूँ तो ये पांचों वैल्यू 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो बिलो 80 तो सारी वैल्यू है यहाँ पे, तो हम टेबल बनाते हैं बिलो के टर्म्स में, तो हम देखते हैं यहाँ पे बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, तो कैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो बिलो 40 में 31, ठीक है, अब बिलो 50 में कितने हो जाएंगे, 31 प्लस 42 कितना हो जाएगा हमारा, 73, ठीक है, 2 3 73। फिर बिलो 60 में देखेंगे, यहाँ पे बिलो 60 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 और यहाँ पे 73 को ऐड कर देंगे तो 124 आ जाएगा। फिर बिलो 70 देखेंगे, तो बिलो 70 में 124 में हम 35 ऐड कर देंगे तो 159 हो जाएगा। बिलो 80 में देखते हैं, बिलो 80 में क्या है, 159 में हम 31 ऐड कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 190। ऐसे करके हम ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एक्स, और ये जो बोलते हैं हम क्या, क्योंकि हमको क्या बोला है, बिलो बिलो 45 लाना है, इसलिए हम बिलो टर्म्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे एक्स की वैल्यू ये इस साइड की होगी और वाई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, डेल फोर वाई, डेल फाइव वाई, जितनी वैल्यू आप निकाल सकते हो इतनी वैल्यू आप निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स क्या है, डेल फोर तक हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो, 31 73, ऐसे। तो फर्स्ट टाइम जब हम डेल वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, 73 माइनस 31, तो आपको वैल्यू मिलेगी 42। उसी तरह 124 माइनस 73, तो आपको वैल्यू मिलेगा फर्स्ट डिफरेंस 51। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पहली वाली वैल्यू y1 नॉट, तो ये इसको हम ऐसे बोलेंगे डेल वाई। तो एक्चुअली में ये जो है हमारा डेल वाई वाली वैल्यू है डेल वाई, ठीक है, तो ये जो होगा हमारा डेल वाई नॉट हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेल वाई 1, डेल वाई 2,
डेल वाई थ्री। सिमिलर मैनर में ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू है वो डेल स्क्वायर वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई वन डेल स्क्वायर वाई टू, ये जो वैल्यू है यहाँ पे डेल क्यूब वाई नॉट डेल क्यूब वाई वन, ये जो वैल्यू हो जाएगी डेल फोर वाई नॉट, ऐसे वैल्यू हो जाएंगी। तो ये वैल्यू निकली कैसे, जैसे अभी ये निकाला हमने तो 159 माइनस 124 जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 35, 190 माइनस 159 जो वैल्यू आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितना 31, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने निकाल लिया, तो मान जो फर्स्ट डिफरेंस आया वो आया था डेल वाई, तो डेल वाई की जो वैल्यू है डेल वाई, ठीक है, तो डेल वाई नॉट डेल वाई वन और डेल वाई टू डेल वाई थ्री, ये सब सारी वैल्यू हमें यहाँ से निकल गई। आगे हम आते हैं डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम जैसे इसे पहले निकाला था हमने, क्या करेंगे 51 माइनस 42 तो हमें जो वैल्यू मिला वो मिला 9, 35 माइनस 51 जो वैल्यू मिला वो था हमारा माइनस 16, 31 माइनस 35 जो वैल्यू मिला हमारा था माइनस 4, ठीक है। अगेन आते हैं हम यहाँ पे डेल क्यू वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो डेल क्यू वाई कैसे करेंगे, माइनस 16 इंटू माइनस 9 तो वैल्यू मिलेगा हमें माइनस 25, माइनस 4 इंटू प्लस 16 तो हमारा वैल्यू जो मिलेगा मिलेगा 12, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन डेल स्क्वायर डेल टू द पावर 4 वाई, तो डेल 4 वाई हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 12 माइनस माइनस 25 दैट मींस 12 प्लस 25 तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 37। तो ऐसे करके हमने डिफरेंस डिफरेंस वैल्यू निकाला और टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अब जब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू यहाँ पे, तो डेल वाई नॉट फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस, ये थर्ड डिफरेंस और ये फोर्थ डिफरेंस, तो ऐसे कर करके करस्पॉन्डिंग जो नॉट वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहेंगे वो हमें यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाली वैल्यू 31 42 9 25 और 37, ये वैल्यू आपको टेबल में यूज करना है क्योंकि हमको जस्ट वाई नॉट वाली वैल्यू हमको यूज करना है। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये वाई नॉट की है, ये वाई वन ये वाई टू वाई थ्री वाई ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे ऑलरेडी अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्पेसिंग हमने पहले बताया था कि यहाँ पे स्पेसिंग क्या है 10 का है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू कितना था यहाँ पे 45 पे हमको यूज करना था, x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 45 है, ठीक है। और x नॉट की जो वैल्यू है, x नॉट की वैल्यू क्या है, पहली वाली वैल्यू, तो x नॉट की वैल्यू ये y नॉट की वैल्यू है, ये x नॉट x1 x2 x3 एंड x4 की वैल्यू, तो x नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 40, ठीक है। तो p की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, p इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय h, तो 45 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5, तो p की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब बाय यूजिंग द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमें जो मिलता है y इक्वल टू y नॉट प्लस p इंटू डेल y1 नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस p इंटू p माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y2 नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 डेल क्यू अपन y3 नॉट अपन फैक्टोरियल 3 प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 अपन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल 4 y4 नॉट। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं और रखते हैं, तो p की वैल्यू 0.5 अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, y नॉट की वैल्यू 31, p की वैल्यू 0.5, ठीक है, p की वैल्यू 0.5 और y1 नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है 42 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये p की वैल्यू 0.5 और p माइनस 1 0.5 माइनस 1, ठीक है। तो डेल स्क्वायर इसकी y2 की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 9 वैल्यू रख दिया यहाँ पे अपन फैक्टोरियल 2 दैट मींस कितना था 2 होता है। फिर सेम चीज वहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 और डेल क्यूब वाई थ्री इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी यहाँ पे माइनस 25, तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस 25। फैक्टोरियल 3 दैट मींस कितना होता है 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6 प्लस पी मतलब दैट मींस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू 0.5 माइनस 3 और डेल 4 वाई नॉट की जो वैल्यू थी 37, तो हमने लिख दिया एज इट इज 37 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा इंटू 1 दैट मींस 24, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 24। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है पॉइंट में आ रही है 47.86, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कभी पॉइंट में हो नहीं सकते, तो जो आएगा अप्रोक्स वो कितना आएगा 48। तो हमारा यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज नंबर इज लेस देन 45 इज काउंटेड बाय 48।
तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 45 मार्क्स इज 48। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना हो, ऐसे एग्जाम में जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही एज इट इज सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।